चैनल। तो आज है एक बहुत अच्छा सा दिन, फिर से बहुत कुछ नया हो रहा है लाइफ में। मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, नई नई चीजें हो रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, हम नए लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वाह क्या मजा आ रहा है। तो चुटकुलों से भरा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और चलिए अब हम बैक टू पवेलियन यानी बैक टू रियलिटी आ जाते हैं। तो कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, आज भी वही हो रहा है जो पिछले 3 दिनों से मेरे साथ हो रहा है, और वो ये है कि ये फिर से ऑफिस चले गए हैं और मैं अकेले घर में भूत की तरह घूम रही हूँ। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज है जो अच्छा हो रहा है, जो मैंने सोचा कि कुछ तो नया होना चाहिए जिंदगी में, जीने का मजा आना चाहिए, और वो मजा आ रहा है। कैसे पता है आजकल मजा कैसे आता है जिंदगी में? खाना खा के। तो कुछ एक्साइटिंग साथ में ये करने जा रही हूँ कि मुझे मिल गया है गोलगप्पा। जी हाँ, गोलगप्पा मतलब मुझे तो बनाना नहीं आता है, वो पूरियों से फुला करके मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन मुझे अपने लोकल शॉप में कल गोलगप्पे का एक पैकेट मिला। और जैसे ही वो पैकेट मिला मैं दौड़ के गई, मैंने कहा ये तो भैया उठा लेते हैं, वैसे हाफ उसमें से क्रंच हो चुका है, हाफ ही ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, 10 ही सही 5 ही सही कुछ तो खाएंगे। तो कल मैं शाम को वो लेकर आई हूँ। तो आज सुबह से कहते हैं ना, एक दिन शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ नया सोचते हो, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग सोचते हो, तो आपको मजा आता है। तो मेरे लिए आज वही ख्याल है गोलगप्पा खाने का। तो उसके लिए मैंने कल रात को मैं भूल गई और अभी सुबह सुबह मैंने ये चने भिगोए हैं, क्योंकि चना तो होना चाहिए गोलगप्पा में, तभी मजा आएगा। तो ये रहे हमारे स्टार ऑफ टुडेज ब्लॉग। तो सब लोग हाथ जोड़े और फुचका महाराज को नमस्ते करें, क्योंकि इसकी कीमत ना हम सबको पता चल गई है इस लॉकडाउन पे। ये मुझे इतनी खुशी दे रहा है ना, इतनी खुशी दे रहा है कि आपको बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ लंच में हल्का फुल्का कुछ खाऊं और पेट में जगह रखूं इनके लिए। वैसे मैक्सिमम मुझे दिख रहा है नहीं टूटे हैं, तो कोई नहीं, तो आलू बनाऊंगी, इमली का पानी बनाऊंगी, पुदीना का पानी बनाऊंगी। और इमली का पानी के लिए मेरे पास फ्रेश इमली नहीं है, तो मेरे पास इमली वाला वो पेस्ट आता है जो मैं सांभर में डालती हूँ, वो है, उसी से बना लेंगे, जैसे जुगाड़ होगा कर लेंगे, पर खाना जरूरी है। तो ये भी बड़े खुश है और कह रहे हैं मैं ऑफिस से आता हूँ बना के रखो खाऊंगा। इसी क्या बोलेंगे, इसी खुशी में वे भी ऑफिस गए हैं बेचारे, एट अ स्ट्रेस, इन्हें रोज अभी चौथी बार है, तीसरी बार आज ऑफिस गए हैं, तो कुछ क्रिटिकल काम है और करना तो पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, तो ठीक है गए हैं। चलिए कोई नहीं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं पहले ही फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ और मैंने आज ये बाहर वाले कपड़े पहने हैं। अभी बाहर वाले कपड़े पहनने का मौका मिल नहीं रहा, इससे पहले खराब हो जाए, इससे पहले पुराने हो जाए, तो घर में कभी कभी व्लॉग के लिए पहन लेते हैं। वैसे भी बहुत सारे व्यूअर्स मुझे बोलते हैं शोना कभी तैयार होके आ जाए करो, नाइट ड्रेस में आ जाती हो, तो सही बात है, आपको भी कुछ अच्छा नया देखने से कुछ एनर्जेटिक फील होगा ना। तो बस देखिए टेंटेड है मैं कितना तैयार हो गया हूँ। चलिए आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। वैसे इस ब्लॉग में मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, तो वो भी करेंगे, पर उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, तो वो सुन लेते हैं फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो पेरेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की मैथ्स लर्निंग स्किल्स बेटर हो जाए। मैं बात कर रही हूँ क्यू मैथ के बारे में। तो क्यू मैथ एक मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही फन वे में, बहुत ही इंटरैक्टिव वे में, नए नए टेक्निक्स के साथ में आपके बच्चे को मैथ सिखाया जाता है। इनके पास दो वेरियंट है। पहला वेरियंट है क्लास KG से लेकर के क्लास 6 के बच्चों के लिए, जहाँ पे ये आपको देते हैं ऑफलाइन क्लासेस, और दूसरा वेरियंट है क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 के बच्चों के लिए, जहां पे मिलता है आपको ऑनलाइन क्लासेस। पर जो ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे टीचर्स के और बच्चों को बस वो दिखाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पे जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वहां पे मिलते हैं आपको लाइव टीचर्स, तो मतलब बच्चे की स्क्रीन पे लाइव टीचर होगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना आराम से इंटरैक्टिव वे में वो लोग मैथ सीख सकते हैं, और जो टीचर है वो बच्चे पे वन ऑन वन ध्यान दे सकता है कि वो कहां पे फंस रहा है, कहां पे उसे दिक्कतें आ रही हैं और कहां पे उनको जरूरत है ज्यादा ध्यान देने की। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है क्लासेस में, इसीलिए क्यू मैथ आपके लिए लेकर आया है, आपके छोटे बच्चे के लिए, यानी क्लास KG से लेकर के क्लास 6 के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस। तो मतलब फिलहाल लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठे ही आपके बच्चे क्यू मैथ के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना क्यू मैथ का काफी फायदेमंद रहेगा हर स्टूडेंट के लिए। क्लासेस में क्यू मैथ आपको देता है फ्री एक्सेस टू करिकुलम, जहां पे आपको मिल जाते हैं फ्री वर्कशीट्स एंड लेक्चर्स पे एक्सेस।
और अभी क्यूमैथ आपके लिए एक और अच्छा ऑफर लेकर आया है, और वो है समर कैंप ज्वाइन करने का। जी हाँ, पर ये समर कैंप के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, पर ये आपको फ्री तभी मिलेगा अगर आप आज ही क्यूमैथ में इनरोल करते हैं। तो समर कैंप में क्या सीखने मिलेगा आपके बच्चों को, बहुत सारी इंटरेक्टिव चीजें होंगी, बहुत सारी नई नई चीजें होंगी, स्किल्स उनके डेवलप होंगे, तो मतलब लॉकडाउन में अच्छे से प्रोडक्टिवली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरी आपको सलाह रहेगी क्यूमैथ जरूर आप एक बार चेक कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां पे जो फ्री ट्रायल है वो लीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास से पैसे देने हैं, पहले फ्री ट्रायल लेकर के देखिए जो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और देखिए आपके बच्चों को ये कैसा लग रहा है और कितना आराम से, कितनी आसानी से मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है वो आसानी से वो उसमें अच्छा सा एक पकड़ ला सकते हैं। तो जरूर चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। आज ना मेरा बहुत किस्मत साथ दे रही, मैं आपको क्या बताऊं, आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बाहर का पहन के रहती हूँ, थोड़ा फ्रेश लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पर देखिए किस्मत कितना साथ दे रही है, पिछले 40-50 मिनटों से करंट नहीं है घर में और मुझे लग रही है अब गर्मी, पता नहीं लाइट चला गया, उसके बाद डीजी भी ऑन नहीं हुआ सोसाइटी का, कुछ प्रॉब्लम आई होगी पता नहीं। पर ये फुल स्लीव वाला मैंने पहना भी तो क्या पहना, देखिए फुल स्लीव वाला पहना है और अब गर्मी लग रही है मुझे, इसीलिए मैं कॉटन वाले नाइटवेयर पहन के रहती हूँ घर में, कंफर्टेबल रहता है। कोई बात नहीं, देखते हैं आ जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज मैंने खाने में बनाया है अपने लिए राइस, प्लेन सिंपल राइस और आलू बैंगन की सब्जी, तो मुझे वो कॉम्बो अच्छा लगता है, तो दाल वगैरह नहीं बनाया है। अभी भी रियलाइज हुआ है कि आधे घर में लाइट है आधे में नहीं है, मतलब मैंने फ्रिज खोला ना तो फ्रिज में पावर आ रहा है, मतलब एमसीबी बॉक्स में लगता है या तो ट्रिप हुआ है या आधे घर का फ्यूज गया है, वैसे में इलेक्ट्रिशियन तो मिलेगा नहीं, तो आई होप कि बस एमसीबी बॉक्स ट्रिप हुआ और मैं उसे ठीक कर पाऊँ। चलिए जी हाँ, ये देखिए ये ट्रिप ही हुआ है, आई होप ये ऊपर करने से ठीक हो जाए, कर तो दिया है मैंने, आ गई पावर, थैंक गॉड। अच्छा वो मैंने फ्रिज खोला, पता है लगा कि सब जगह के करंट गई हुई है, फिर मुझे लगा आधा आधा कैसे आ रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ हुआ होगा, वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है ना तो एमसीबी बॉक्स ट्रिप कर जाता है। लंच करना हो गया है और मैं बताऊं आपको, बहुत सिंपल लंच था पर बहुत टेस्टी था। एक्चुअली घर का ना ऐसा कुछ नॉर्मल सा भी कभी बनाइए ना, एक सब्जी राइस और कोई चटनी बना लीजिए साथ में, तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, चाहे मैं वो हरी चटनी खाऊं या फिर मैं खट्टे आम की चटनी खाऊं। अरे हाँ ना, मुझे याद आ गया, मेरे पास एक कच्चा आम पड़ा है, उसकी भी चटनी बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये तो खाते नहीं है खट्टा ज्यादा, वो मैं ही खत्म करती हूँ, तो मैं हमेशा एक कच्चा आम लाती हूँ और वही मेरा 3-4 दिन तक उसकी चटनी आराम से चल जाती है। एनीवेज तो मैं बैठ गई हूँ आराम से आपसे कुछ बातें करने के लिए, मैंने आपको व्लॉग के शुरू में कहा था कुछ डिस्कस करना है, तो इनकेस आपको ऐसे 1-on-1 कन्वर्सेशन नहीं अच्छा लगता है तो आप स्किप कर दीजिए और वीडियो का बाकी पार्ट देखिए, और अगर अच्छा लगता है, इनफैक्ट अगर आप मैरिड हैं तो जरूर सुनिए क्योंकि आप रिलेट जरूर कर पाएंगे। तो ना कई सारे हम लोगों को आपको पता ही है मेल्स आते हैं, इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे व्यूअर्स हमें अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें। मुझे तो खैर बहुत आते हैं, लॉ फील्ड में होने की वजह से उस तरह के भी आते हैं और वास्तु के भी आते हैं और कुछ ऐसे नॉर्मल लाइफ में जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में भी लोग मुझसे बहुत कुछ पूछते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, आप अग्री करेंगे कि मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और डीएम्स भी जो मुझे करते हैं उनका भी रिप्लाई करती हूँ। बहुत बार आने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जो है इस पर डिस्कस करना बनता है, और कई बार व्यूअर्स भी सामने से बोलते हैं कि इसके बारे में आप व्लॉग में डिस्कस करो तो अच्छे से सबको क्लैरिटी आ जाएगी। तो वैसा ही मुझे एक कॉमन जो मैं बोलूँगी काफ़ी महीनों से इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से, जहाँ पे मुझे मैरिड जो लेडीज होती हैं वो लोग डिस्कस करती हैं कि शोना हम शादी के बाद अपने इन लॉज के साथ रहते हैं और हमारी तालमेल उनसे कुछ बैठ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं, मैं अगर आराम मतलब क्या बोलूँ, इजी वे में बोलूँ आपको तो डिप्रेस्ड हैं, बहुत लोग परेशान हैं, और कुछ मेल्स तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद मैं बताऊँ आपको, 1-2 दिन मेरा भी सर बहुत भारी रहता है क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं ना उनके साथ कि सोच के ही मुझे लगता है कि ओ माय गॉड कैसे झेल रही होंगी, क्योंकि सच में बहुत कुछ होता है मतलब। तो चलिए उन पे नहीं जाते हैं डिटेल्स में। तो अब इस केस में क्या होता है ना, जब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके इन-लॉ से, आप साथ रह रहे हो और आपकी तालमेल नहीं बैठ रही है और किसी से भी आप सलाह लेने जाओ ना, बताओ कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है ना, सबसे पहले सामने वाला पता है आपको क्या ज्ञान देगा, सबसे पहले वो आपको ये ज्ञान देगा कि अरे भाई शादी के बाद अब यही फैमिली तुम्हारी है, एडजस्ट करना सीख जाओ,
अभी अपने घर में थे तो तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हें डांटती होगी ना, तब तुम कैसे बर्दाश्त करती थी, तो यहाँ भी थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, लड़की का तो लाइफ ही ऐसा होता है, शादी के बाद पराए घर चली जाती हैं, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, बलिदान ही औरत के जीवन का मकसद है, वगैरह वगैरह सब लोग बहुत सारा ज्ञान देते हैं। और इसमें हमें ही ऐसा बोल देते हैं कि भाई तुम गलत हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच गलत है, बाकियों को देखो सब तो एडजस्ट कर रहे हैं। और फिर हाँ, एग्जाम्पल्स भी देते हैं, हमारी माँ को देखो, नानी को देखो, दादी को देखो, दुनिया भर का मतलब वो आपके सामने एग्जाम्पल्स ला देंगे, और एंड में आप सोचोगे छोड़ो यार, डिस्कस ही नहीं करते हैं, अकेले ही इस चीज को झेल लेते हैं। और वो अकेले ही इस चीज को झेल लेते हैं कि चक्कर में जो ये डिप्रेशन हो रहे हैं ना, जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम जिससे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान दे रहा है। कई बार ना लोग आपकी बातों को सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, वो इसलिए नहीं सुनते हैं कि आपकी बात को समझे और आपको कुछ समझाए, तो वो जवाब देने के लिए आपको दे देते हैं। मैं ऐसा कुछ भी आपको ना पोटली नहीं बांध के देने वाली हूँ कि सहलो कर लो, कोई नहीं भाई, ये आपकी लाइफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। आपको ना जब भी ऐसा सेक्रीफाइस करने वाला टाइम आए ना, जब आपको लगे कि मैं झेल रही हूँ, मैं तो बस जीवन को काट रही हूँ ना, एक बार आप ट्राई करिएगा, एक बार आंखों को बंद करिए, और आंखों को बंद करने के बाद जब आप बहुत छोटे थे ना, उस समय को याद करिए जब आपकी मम्मी, आपके पापा आपको ये उंगली पकड़ के घर में खिलाते थे या घुमाते थे, उस टाइम को याद करिए। और याद करके ये सोचिए कि क्या आपके पेरेंट्स ने जो इतने प्यार से आपको बड़ा किया, इतना कुछ आपके लिए किया, वो इसीलिए किया कि एक दिन मेरी ये बच्ची बड़ी हो जाए और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे, अपनी खुशियों को दान में दे दे, और यही मान के पूरा लाइफ चले कि कोई बात नहीं, हमें तो झेलना ही पड़ेगा, कोई नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा। क्या ये सोचा था उन्होंने कभी? कभी नहीं। वो हमेशा ये चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वो हमेशा खुश रहे, उसकी प्रायोरिटी रहे कि वो खुश रहे, वो लाइफ में आगे बढ़े, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो बेसिकली उनका यही एक आपको लेकर के ड्रीम था, राइट? क्या मिलेगा झेल के? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एट द एंड आप उड़ के देखोगे ना, आपको लगा वर्थ नहीं था ये जो भी मैंने सेक्रीफाइस किया है। पर अब यहाँ कुछ प्रैक्टिकल बातें करते, चलिए ये तो हो गया आपको अपने लिए जीना चाहिए और झेलना नहीं चाहिए और वगैरह वगैरह, पर प्रैक्टिकली अगर बात करूँ ना, तो हम यहाँ जो इंडिया में रहते हैं ना, हमारा सिस्टम थोड़ा फैमिली का अलग है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले। यहाँ पे दो रीजन से आपको आपके इन लॉज के साथ तो रहना ही पड़ेगा। पहला रीजन है, अगर आपके इन लॉज फिनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है, तो मतलब आपके हस्बैंड पे डिपेंडेंट है या आप पे डिपेंडेंट है, या एज अ फैमिली एज अ यूनिट आप लोग की जो फिनेंसेस है वो इंटर डिपेंडेंट है, मतलब फैमिली बिजनेस है या साथ में मिलके कुछ करते हैं, तो फिर आप चाह के भी आप कितना भी परेशान हो उनसे सेपरेट होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और दूसरा होता है, अगर आपके हस्बैंड जो है इमोशनली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो कंडीशन आपके हस्बैंड का है, तो नो मैटर आप कितना भी उनको बता लो या समझा लो कि मेरी नहीं बन रही, मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, ये वो नहीं समझने वाला, वो आप भूल जाइए उस बात को, क्योंकि हम लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, हम हॉस्टल भी जाते हैं तब से ही हम समझ जाते हैं कि भाई अब तो लाइफ ऐसी ही है और शादी के बाद भी पेरेंट्स के बिना ही रहना है, तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। बट जो लड़के होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, अगर उनके मन में है कि साथ रहना है तो साथ रहना ही पड़ेगा। बहुत ही कम मैं सोचूंगी कि ऐसे मैन हैं सोसाइटी में जो कि क्या बोलूं मैं, तालमेल बिठा के रखना जानते हैं अपनी वाइफ और इन लॉ अपने पेरेंट्स के बीच में, पर मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। और मैं ये सिर्फ सोच के ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने लिटरली देखा है, जब 5-6 महीने मैंने लॉ फील्ड में काम किया है ना, मैंने ऐसे ऐसे मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स सच में देखे हैं जो जो आप सोच के आपको लगे ओ माय गॉड, ऐसा भी किसी फैमिली में होता होगा, ऐसे भी इन लॉज ट्रीट करते हैं अपनी बहू को, और उसमें हस्बैंड ऐसा भी रोल निभाते हैं। तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत कुछ होता है, इतना इजी नहीं है। तो अगर ये दो क्राइटेरिया हैं आपकी लाइफ में तो डिफिकल्ट होने वाला है। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है ना, वहाँ पे पेरेंट्स डिपेंडेंट उतने नहीं होते अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि वहाँ एक तो उनकी खुद की फाइनेंशियल अच्छी होती है, दूसरा जो उनकी गवर्नमेंट है ना वो ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज रखी हुई हैं, चाहे वो आप हेल्थ में देख लीजिए या फिर जिस तरीके से भी, तो वहाँ थोड़ा ईजी हो जाता है, पर हमारी कंट्री में वैसा तो है नहीं। तो आगे जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो वो सारा जो है वो बच्चा ही देखता है, क्योंकि माँ बाप ने क्या किया होता है, पूरी लाइफ की पूंजी लगा करके अपने बेटे पे लगा दी होती है, पढ़ा दिया होता है, उनके पास कुछ बचता नहीं है।
मोस्ट केसेस, तो वो डिपेंडेंट है कम्प्लीटली। ऐसे में आप कितना भी बोल दिया, आपके हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते, रहना तो साथ में पड़ेगा। सेकेंड क्राइटेरिया जो है इमोशनल डिपेंडेंसी का, वहाँ थोड़ा स्कोप है कि अगर फाइनेंशियली सब ठीक है, बस आपके हस्बैंड बहुत जुड़े हुए हैं और आप कितना भी समझा रहे हैं उनको कि आपके पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, वो नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा स्कोप है कि आप उनको अच्छे से समझाइए, बताइए अपनी फीलिंग्स कि भैया आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं घर तोड़ दूँ, पर जो प्रॉब्लम है मैं मेंटली मैं फिर यहाँ पर खुश नहीं हूँ, तो मैं नहीं ऐसे रह सकती हूँ, तो बेटर कि आप कुछ तरीका ढूंढ लीजिए, वहां पॉसिबल है। पर इन दो सिनेरियो में से अगर कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ ठीक है पर ऐसे ही साथ रहते हो, परेशानी है, तब तो आप अपफ्रंट बातें कर लीजिए। क्योंकि अगर चार लोग साथ में रह रहे हैं घर में और आपकी नहीं बन रही है उन लोगों से ना, आज नहीं बन रही है, कल नहीं बन रही, परसों कोई चमत्कार नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सामने वाला नहीं बदल रहा है ना, तो नहीं बदलेगा। आप ये उम्मीद पे मत जिए कि अरे भाई एक दिन ऐसा आएगा ना वो मेरी माँ बन जाएगी, वो मेरे पापा बन जाएंगे, नहीं होने वाला है ऐसा। देखिए जो जो ये एज के लोग होते हैं ना, जो वो जनरेशन वाली है, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, उनमें जो हमसे ज़्यादा वो स्टबर्न है नेचर में, एक बार अगर वो अपने लाइफ का 50 साल जिस तरीके से जीते आ रहे हैं ना, वो वैसे ही जिएंगे आने वाले समय भी, आप बदल नहीं सकते हो। तो ये तो नहीं होने वाला कल वो सुधर जाएंगे, आपको बेटी बना लेंगे, ये सब ना मूवीज वाली बात है, ये भूल जाइए आप। आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स है, सामने वाला जो है वो आपके हस्बैंड का पेरेंट है। अगर अच्छी बन रही है, दोनों समझदार हो, तो ठीक है, तो आप उसको पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हो, वेरी गुड। पर इन मोस्ट केसेस जो मैं देख रही हूँ आपके मेल्स से, जो प्रॉब्लम्स मैं आपकी सुन रही हूँ, आई डोंट थिंक सो उनके अंदर कोई आपको बेटी वेटी मांगने का कोई जरा सा इंटेंशन है। तो उन बातों को साइड करिए, आप अपना सोचिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करिए। मैं बोलती हूँ कोई फायदा नहीं सेक्रीफाइस करके, कोई याद नहीं रखने वाला। अपने पेरेंट्स की बात याद रखिए, उन्होंने बच्चा पैदा किया था इसीलिए नहीं कि घुट घुट के ऐसे जिए जीवन, क्या फायदा है ऐसे जी करके। मैं सोचती हूँ कि क्या लाइफ है यार, एक कमरे में कोई जीवन जी रहा है, कह रहा है मेरे घर में मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कह रहा है मेरे हस्बैंड से झगड़ा करवा देते हैं, कोई कह रहा है कि मेरे हस्बैंड का सारा पैसा ले लेते हैं, मेरे को गिन के 10 रुपया नहीं देते हैं, ऐसे कोई जीता है क्या? जेल में थोड़े रह रहे हो आप लोग। निकालो, कुछ तरीका निकालो, बाहर निकलो इस चीज से, और हस्बैंड को समझाओ कि भाई ज्यादा अगर तुम्हारे पेरेंट्स गलत हैं तो भैया गलत हैं, उसमें कोई दो राय का बात नहीं है। और इंसान का बस उम्र आपसे ज्यादा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। इंसान का उम्र कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो, वो गलत हो सकता है। एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को जरूरी नहीं अच्छा बना दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इसलिए बेसिकली आपको करना ये है कि बी वोकल, ठीक है, अपनी बातों को सामने रखो, बोलो खुल के कि भैया देखो ऐसे तो ना चलेगा। तो इस तरीके से आप मुझे सोचोगे मैं कमरे में रह जाऊं और आपका राज चले, तो ये राज वाज चलने कोई आपने कोई बड़ा सा किंगडम तो बना रखा नहीं है कि आप राजा रानी और मैं नौकरानी, और मम्मा बॉय बनने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ सकते हैं ना, तो वो बंदा भी या तो आपसे 2-4 साल बड़ा ही होगा, छोटा तो बहुत कम चांसेस है कि होगा, तो वो भी कर सकता है भाई, है कि नहीं? और अगर हाँ, पर इसमें ये भी याद रखिए कि अगर आपके पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं अपने दामाद के साथ ऐसा कुछ, तो वहां भी फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप एक हाथ से ताली का नहीं सोच सकते हैं कि सिर्फ हस्बैंड आपको सपोर्ट करे, आप ना करो, इक्वली करना पड़ेगा। पर खड़े होइए हक के लिए, कोई फायदा नहीं, अबला नारी बनने का ना जमाना नहीं रहा अब। तो यही है, और आई होप कि जो जितने भी लोग परेशान हैं और सब गुजर रहे हैं, उनको कुछ करे जाएगी। स्पीक अप, यू नो, बताओ, पहले ही बता दो कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, और नेक्स्ट टाइम अगर आप ये करोगे तो मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाली हूँ, चाहे वो आपका हस्बैंड हो चाहे वो आपके इन-लॉज हो। बी वोकल, और कोई तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला, आपको आपके लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर आपको रहना ही नहीं था ज्वाइंट फैमिली में, न्यूक्लियर में रहना था पर शादी के बाद अब आप ज्वाइंट में आ गए हो, तो मैंने आपको बता दिया कि दो डिपेंडेंसी अगर है आपके फैमिली में तो मुश्किल है कि आप चेंज कर सको। नहीं है, देन ट्राई टू कन्विंस योर हस्बैंड। शादी से पहले ही अगर ये सब बात कर लिया जाए ना कि मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, तो तुम्हारा क्या सोच है, तो एक स्कोप होता है। बाद में आप अचानक से किसी भी, कहते हैं ना, पेड़ को उसके जड़ से नहीं उठा सकते हो, तो अगर आपके हस्बैंड एकदम सेटल्ड है अपने पेरेंट्स के साथ में ना, तो आप उसका जड़ नहीं काट सकते हो, खींच के बाहर नहीं ले जा सकते। एंड ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, क्योंकि हस्बैंड के अलावा मुझे नहीं लगता शादी के बाद कोई भी अपना होता है। वो समझेगा तो आसान होगा, वो नहीं समझ रहा है अगर, तो टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, देयर इज नो वे आउट। चलिए ठीक है, तो मुझे यही बातें करनी थी, आई होप मैंने ज्यादा पकाया नहीं आपको। अब मैं सीधे आपसे मिलूंगी शाम को, जब मैं गोलगप्पे बना रही होंगी और ये ऑफिस से आने वाले होंगे।
ये आ गए हैं ऑफिस से और गए हैं शाल लेने के लिए। तब तक मैं सब कुछ तैयार करके रख रही हूँ। भूख लगी है इन्हें कह रहे, और ये देख के तो किसी भूख नहीं लगेगी। तो जो भी थोड़े टूटे से है ना, उसे मैं ये आलू में ही मिक्स कर दूंगी, जैसे पानी पूरी वाले भैया लोग करते हैं, या फिर जो ऐसे थोड़े से पचके हुए है ना, फूल नहीं पाए, उन्हें इसमें मिक्स कर दूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। और इसे यूं तोड़ के डालेंगे। मैंने मेरे मुंह में भी से पानी आ रहा है, I'm sure आप लोगों के मुंह में भी आ रहा होगा। एक्चुअली मैंने जो ये है ना इमली का पानी और पुदीना का पानी, उसे फ्रिज में रख दिया है, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा ना अभी गर्मियों में अच्छा लगेगा। और भूख लगी है और ऐसे में इतना टेस्टी खाना है, तो टेस्ट करके बताइए। पूरा एक्साइटेड, पूरा रेडी प्लेटर है। कैसा है? अच्छा है, टेस्टी है। मतलब इन्होंने बोल दिया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि खट्टे मिर्च की चीजों में आपको पता है ना मुझे कितना कॉन्शियस करना पड़ता है, तो ऐसे में मैं तो बहुत डर रहती हूँ कि भाई ये तो खट्टे वाला डिश ही बना है। पूरा पूरा बहुत टेस्टी है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है पूरा। दुकान खोल दो। अरे वाह, चलिए तो मतलब मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, अच्छा ही बना होगा। तो चलिए अब मैं आगे इसको नहीं बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बुरा हो जाएगा कि मैं हम लोग खा रहे हैं और आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले वाला सिनेरियो होता तो अलग बात था। अभी बहुत कॉमन करेगा, लॉकडाउन में तो सबको मिल भी नहीं पा रहा है, पता नहीं। और सुबह मैंने जिक्र कर दिया तो इसलिए मैंने आपको रेसिपी दिखा दी। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और जब लॉकडाउन खुले या आपके आसपास मिले तो आप भी गुपचुप बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग में यही तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय।